हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में करेंगे क्लास 12 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो सिंपल क्या है, फाइंड करना है डीवाई अपॉन डीएक्स। ओके, फाइंड डीवाई बाय डीएक्स किसका, देखो इक्वेशन दिया हुआ है हमें, वाई इक्वल साइन इनवर्स 2x, 2x के डिवाइड में मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो सिंपली क्या करना है, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, उसको याद रखना कि अभी जब भी हमें ऐसा दिया हो ना कि साइन इनवर्स का करना हो कुछ, तो उसके पास कुछ बड़ी टर्म दिया हो, ठीक है, तो उसको ना हमेशा याद रखना कि साइन इनवर्स को काटूं कैसे। ओके, क्योंकि यहाँ बड़ी टर्म है, एक हमारा डायरेक्ट डिफरेंशिएट होता है। ओके, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट हमें पता है क्या होता है, 1/√(1 − x²) ये होता है। बट अगर मैं यहाँ लिखाऊंगा तो एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आती है। ओके, तो एक तरीका है ये। ओके, तो इससे काफ़ी लेंथी होता है, तो इसलिए हम तरीका यूज़ नहीं करते। तो इसका एक सिंपल तरीका क्या होता है, इसको कैसे भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखो एक मेरा फॉर्मूला होता है 2 tan θ / 1 tan²θ इक्वल होता है मेरा sin²θ के बराबर। ओके, अगर आपने 11th क्लास में ये करा हो तो याद होगा। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। ओके, अब देखो तो क्या करना है, ये सेकंड चैप्टर में भी हमने यूज़ किया है। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ एक चीज़ लेट एक्स इक्वल टू 10θ, ठीक है, एक्स को क्या मानना है हमें 10θ। तो देख क्या आएगा, फाई इक्वल साइन इनवर्स, देखो 2 जो मेरा एज इट इज रहेगा, एक्स की जगह कितना पुट करूँगा 10θ। ओके, डिवाइड में 1 प्लस एक्स की जगह 10θ और इसका हो जाएगा मेरा स्क्वायर। ओके, तो वाई इक्वल साइन इनवर्स, अब देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, sin²θ। इस पूरे टर्म की जगह क्या हो जाएगा मेरा, sin²θ। ओके, अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ काट के नहीं दिखाना, डायरेक्ट क्या लिखना है यहाँ 2θ, साइन से साइन काट देते हैं, बट यहाँ काट के दिखाना नहीं होता। ओके, मैं दिखा रहा हूँ एक बार ताकि आपको समझ आ जाए। सिंपली आप देखो वाई इक्वल टू 2θ आ गया। अब देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं इस टर्म से, थीटा यहीं रखना, टेन को इधर लिखना, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 10 inverse x। ओके, थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 10 inverse x, तो थीटा की जगह पुट करना, तो वाई इक्वल कितना आएगा, 2 tan inverse x। सिंपल, अब देखो 10 inverse x का डिफ्रेंशिएट x से सिंपल, अगर कोई बड़ी टर्म होती तो हमें कन्फ्यूज होती, जैसे यहाँ पर हुआ था, तो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो जो 10 inverse x का डिफरेंशिएट होता है, ओके, क्या होता है, 1/√(1 + x²). ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बता चुका हूँ, नहीं देखा तो जाकर देख लें, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके देख सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ सिंपल क्या आएगा, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, dy/dx। ओके, 2 क्या मेरा कॉन्स्टेंट टर्म, इसको एज इट इज छोड़ना है, तो 2 एज इट इज आ जाएगा, 10 inverse x का डिफरेंशिएट क्या आएगा, 1/√(1 + x²). ओके, सिंपल ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। ओके, देखो कितना इजी पड़ गया ये, अगर मैं इस फॉर्मूले से करता तो कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती और काफ़ी लेंथी हो जाता क्वेश्चन, तो इसलिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं इसके लिए। ओके, कोई भी टर्म आती है, जैसे साइन इनवर्स आया तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन में, अगर मान लो यहाँ कॉस होता तो कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता, उसके लिए दूसरे क्वेश्चन होंगे। ओके, तो ये बेसिक याद रखना कि हमेशा क्या करते हैं, साइन इनवर्स को कैसे भी करके काटना होता है। ओके, और दो टर्म माननी पड़ती कि एक्स को क्या लेट करें हमेशा। ओके, वो क्वेश्चन के हिसाब से लेट करना पड़ता है। आई होप को समझ आ गया हो, कोई भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।